क्या बॉलीवुड का जेनरेशन नेक्स्ट, नॉट जस्ट इन टो बट इन एक्शन विद द स्टार पेरेंट्स। चाहे वो रेड कार्पेट हो, रैंप वॉक्स हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बर्थडे बैशेस या बाकी मीडिया इवेंट्स, स्टार किड्स आर गेटिंग अ डोज ऑफ द मीडिया फ्रेंजी। एंड हाउ, एक वक्त था जब शाहरुख खान अपने बच्चों के साथ मीडिया के सामने पोस्ट करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। वो ना सिर्फ किसी फिल्म के प्रीमियर्स में, बल्कि अब तो इनके स्कूल में होने वाली स्पोर्ट्स इवेंट में भी ना सिर्फ इनका हौसला बढ़ाते हुए बल्कि इन्हें प्यार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ यही हाल है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का भी। ये तस्वीरें हैं कुछ साल पहले एक इवेंट की, जहां मीडिया ने चुप कर इनके बेटे आरव की तस्वीरें अपने कैमरा में कैद की थी। लेकिन यहां कोशिश यही की गई है कि इन्हें मीडिया से दूर ही रखा जा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में एक स्कूल फंक्शन में जब मीडिया को इन्वाइट किया गया, वहां बाकायदा ट्विंकल खन्ना ने अपने बेटे आरव के साथ मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवाई। कुछ यही हाल है ऋतिक रोशन का भी, जिन्होंने पहले तो अपने बेटों को मीडिया की नजरों से दूर रखा, लेकिन अब इनकी वाइफ सुजैन इवेंट्स पर तस्वीरें खिंचवाती हुई बड़ी कम्फर्टेबल दिखाई देती है। So are these celebrities grooming their kids for stardom? पहली बात तो कोई अपने बच्चों को जिस तरीके से आप कह रही हैं सिस्टमैटिकली ग्रूम करना, कोई नहीं करता है। एंड स्पेशली स्टार्स जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां एक्चुअली मीडिया से कोई एस्केप नहीं है। अगर आज आप देखें तो चाहे वो स्कूल फंक्शन हो या स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो या आप किसी भी इवेंट में हो या फन एंड फेयर में हो, बाहर मीडिया रहेगी। लेकिन रवीना, आप ये तो बताइए कि पहले आप खुद ही अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखती हैं और अभी कुछ ही दिन पहले आप अपनी बेटी को लेकर मीडिया की मौजूदगी में दादा साहब फाल्के अवार्ड फंक्शन पर पहुंची थी। माय फादर गॉट हिज दादा साहब फाल्के अवार्ड। आई वांटेड माय डॉटर टू सी इन हर लाइफ टाइम के हर नाना वन द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो क्या मैं अपने बच्चे को और अपने उनके उसके ग्रैंडफादर को वो मोमेंट से डिप्राइव कर लेती कि द फुल फैमिली स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग एंड क्राइंग व्हेन ही गॉट हिज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ। आई वांटेड माय डॉटर टू सी दैट। कंसीडर दिस, प्रीमियर्स हो या स्कूल फंक्शंस, अ प्राउड शाहरुख खान इज ऑलवेज विद हिज किड्स आर्यन एंड सुहाना इन टो विद कैमरास कैप्चरिंग एवरी टेंडर मोमेंट। और वही हाल है अक्षय कुमार के सन आरव का भी, जो अपने पापा की तरह काफी कैमरा फ्रेंडली है। इनफैक्ट सलमान की फैमिली की जनरेशन नेक्स्ट भी अब मीडिया फ्रेंडली होती नजर आ रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अपने और अरबाज के बेटों को साथ लेकर आए हैं, जहां द किड्स हैड देयर शेयर ऑफ फन। और बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज भी पीछे नहीं है। सुष्मिता अपनी अडॉप्टेड डॉटर्स रेने और अलीसा को मीडिया के सामने कई बार लेकर आई हैं। फराह खान के ट्रिपल्स भी अभी से ही कैमरा फ्रेंडली नजर आ रहे हैं। तो अब प्राउड सोनाली बेंद्रे गॉट हर सन रणवीर टू वॉक द रेड कार्पेट विद हर। वेल, भले ही ये स्टार्स अपने बच्चों को मीडिया के सामने लाने में ना करे परहेज, लेकिन सवाल यहाँ उनके सेफ्टी कंसर्न का भी उठता है। प्रीवियसली बहुत सारा ऐसे डर होता था जब मैं बड़ा हो रहा था, अगर मैं स्कूल से कभी इधर उधर भाग जाता अपने दोस्तों के घर, तो घर वाले बिल्कुल पैनिक हो जाते थे कि कहाँ चला गया बच्चा, आई मीन किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, बिकॉज एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ रियल थ्रेट। एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो जाता है। आप तो देख रही हैं आजकल जो टेररिस्ट थ्रेट सब स्टार्स को मिल रहे हैं, कोई नहीं चाहता इतना एक्सपोज करना अपने बच्चों को। वेल, बात इनकी भी सही है, क्योंकि सेफ्टी का सवाल भी काफी मायने रखता है। तो क्या ये ट्रेंड महज मीडिया का बढ़ता इंट्रूजन है, या फिर स्टार्स खुद अपने बच्चों को मीडिया के सामने लाने में कम्फर्टेबल हो रहे हैं और पीछे रह गया है इंडस्ट्री का पुराना चलन, जहां स्टार्स अपने बच्चों को बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रखकर नॉर्मल अपब्रिंगिंग देते थे। सवाल फिर वही उठता है, आर सेलिब्रिटीज ग्रूमिंग देयर किड्स फॉर स्टारडम।